अभी तो टाइम है इसमें ना, कितना बाकी? अभी बाकी है 2 मिनट, 2 मिनट के बाद देख लेते हैं ना दोबारा क्या होता है। अब जरा एक साथ में एक्सप्लेन भी करो भाई, आप कहाँ हैं? एक मिनट जी। सर ये नाडा इक्विपमेंट है जो EMF टेस्टिंग रेडिएशन चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्या करता है, ये एंटीना है, ये इसका स्टैंड है, ये मेरा इक्विपमेंट है, ये एंटीना है। हाँ। ये एंटीना आइसोट्रोपिक एंटीना है। हाँ। ये क्या करता है, सारा सिग्नल जितने भी आ रही है, रेडिएशन आ रही है, सारा कवर अप करने के बाद ये वैल्यूज इसमें चेक कर रहा है, ये स्टोर हो जाती है, सारे सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है, जो ये रीडिंग्स आ रही है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो रीडिंग सैंपल कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये रीडिंग आ जाती है, और इसकी वैल्यू 0.45 है। अभी ये दिखा रहा है 9.248 माइक्रो वाट पर मीटर स्क्वायर, मिली वाट पर मीटर स्क्वायर, मिली वाट। तो ये इसकी वैल्यू हुई अभी 0.009, मतलब ये अभी तक का हाईएस्ट हुआ है हमारा। हाँ जी, ये मान जो अभी तक का ये हाईएस्ट जो भी, मतलब चाहे ये कम है, कम है, प्रेस्क्राइब नॉर्म से कम है, जितनी भी हमने 8-10 रीडिंग ली है, ये सबसे ज्यादा वैल्यू है, ये है सेफ लेवल पे है। लेकिन अभी भी ये बहुत सेफ लेवल पे है, 1000 times बेटर, मतलब सेफ लेवल पे है, लेकिन अभी तक का सबसे हाई पॉइंट ये है। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या होगा सर? ये स्टैंड है, बस ये कैलिब्रेशन होता है इसका, हर साल कैलिब्रेशन किट होती है, दिस इज इंपोर्ट फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया, जर्मनी से किट है हमारी, और ये गवर्नमेंट ने, हमारी जो टर्म सेल है उसी ने ये वाली किट हमें रिकमेंड करी है, और जो बाजारों में इसके अलावा जो किट यूज हो रही है दैट इज नॉट एज पर द गाइडलाइन, वो मतलब अपना वो 4-5 हजार की है, लेकिन द कॉस्ट इज वेरी हाई। कितनी है इस मशीन की? इसकी 18-20 लाख रुपए की कॉस्ट, ये पूरा, ये जो एंटीना और ये सब मिला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कितना टाइम लगता है इसको, ये जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सैंपल जो निकाल रहे हैं? सर ये 6 मिनट का सैंपल हमने लेके इसमें, ये देखिए 360 आपका आ गया, और इसमें फिर ये रीडिंग आ गई है, थोड़ा नीचे ये 347 जो दिखा रहे हैं, ये टाइम है सेकंड्स, तो 360 करना है हमने, तो 360 के बाद देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। अच्छा, 58 59, और ये 60 हो गया सेव। अब क्या आया फाइनल रिपोर्ट, क्या आई आपकी? 0.0092। अब इसे सेव करते हैं, गई 9.2
1.48, ये क्या है आगे? मिली वाट पर मीटर स्क्वायर, मिली वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये कितना बना जाके आप, ये जो है 0.0092 वाट पर मीटर स्क्वायर, 0.0092। जो नॉर्मल हमें चाहिए हमारे लिए वो 0.45 है, 0.45 गवर्नमेंट। जो आप बोलिए क्या है, सब कुछ बता दिया मेरे ख्याल से। इसके जो नॉर्म्स है अपने, मेरे ख्याल से 0.4 अपनी जो है वाट पर मीटर स्क्वायर, 0.45 अपनी जो है वाट मीटर पर स्क्वायर जो है थ्रेशोल्ड है एज पर DOT नॉर्म्स जी। और इट इज वेरी 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 बिलो, वेरी वेरी बिलो। वो बात अलग है कि आज के हमारे इस पूरे राउंड का सबसे हाईएस्ट ही आया है। यस, हेलो, यू कैन से थैंक यू। हमारा बेसिकली ये जो नॉर्म्स हमने जो सेट किए हैं, ये गवर्नमेंट ने जो टर्म सेल ने जो सेट किए हैं, इट इज नॉट फॉर एयरटेल, इट इज फॉर ऑल द ऑपरेटर्स। आइदर इट इज एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, CDMA प्लेयर, GSM प्लेयर, 3G प्लेयर, 4G प्लेयर। इसकी जो वैल्यू है हमारी 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 3000 गीगाहर्ट्ज तक, ये वैल्यू हम लेके चल रहे हैं। 3000 मेगाहर्ट्ज, हाँ, 3 गीगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज टू लेके 3 गीगाहर्ट्ज, इसके अंदर मेरा सारा आ जाता है, आइडिया, वोडा, एयरटेल, CDMA और GSM प्लेयर। तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि खाली आपको टेस्टिंग मेरे कराने के बाद आपको आइडिया को अलग बुलाना है या वोडाफोन को अलग बुलाना है, ये सब का ये सब का टेस्टिंग हो गया ये एक बार में, रिलायंस का भी, सब का, जिन जिनके, क्योंकि ये रेडिएशंस जितनी भी आ रही हैं सारा सम अप करने के बाद वो कैप्चर करके डाटा, तो वो रीडिंग्स दिखा रहा है ये। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे का पूरा जो एक टावर से मान लो 10 कैरियर्स के लगे हुए हैं जी, तो उन सबको सम अप करके 0.45 से कम होना चाहिए, 0.45 से कम होना चाहिए पावर डेंसिटी, ठीक है। इसका मतलब है अगर एक टावर पे सिर्फ एक ही कंपनी का किसी का लगा हुआ है तो वो बहुत कम आएगा, वो और कम आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हमने 3 पॉइंट इकट्ठे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हायर साइड पे, हायर साइड पे, लेकिन वो भी 1000 टाइम्स लेसर देन जो हमारा दिया हुआ है, जो लिमिट है। अगेन इसमें पॉइंट ये है सर, मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 900 बैंड और 1800 बैंड या 2100 बैंड ही इसमें कोई वर्क कर रहा है। सपोज करो कोई एक्सटर्नल सोर्स लेके यहाँ पे बैठ गया है, पर पब्लिक परस्पेक्टिव तो वो रेडिएशन लेवल हाई कर दिया ना उसने भाई, उसके लिए कल्प्रिट कोई GSM ऑपरेटर नहीं है, वोडा CDMA ऑपरेटर नहीं है, पर वहाँ पे रेडिएशन लेवल हाई हो गया, और रेडिएशन लेवल हाई हो गया अल्टीमेटली सफ़र कौन कर रहा है, वो पब्लिक सफ़र कर रही है। तो हमने तो पूरा बैंड इसलिए स्कैन करा और उसका रेडिएशन लेवल लिया, तो आप इसको इस तरीके से नहीं देख सकते कि भाई 900 को ही कर रहा हूँ, या गवर्नमेंट ने जो नॉर्म बनाया है वो यूनिफॉर्म नॉर्म बनाया है। और सपोज करो मैं एग्जाम्पल लेके यहाँ पे बैठ गया, मैं रेडिएट कर रहा हूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, पर मैं तो कोई ऑपरेटर तो हूँ नहीं, पर यहाँ पे पॉल्यूशन मैंने कर दिया रेडिएशन का, तो पर कंप्लायंस नहीं आया, बढ़ गया वहाँ पे रेडिएशन लेवल। तो दैट मीन्स कि वहाँ पे साइटें बंद करनी है आपको, सीधा सा है बिल्कुल गवर्नमेंट का, कि वहाँ पे यदि रेडिएशन लेवल हाई है, चाहे आप उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो चाहे नहीं हो, आपको वहाँ से स्विच ऑफ करके साइट निकल जाओ, जिस पॉइंट पे भी ऐसा है, जिस पॉइंट पे, चाहे आप उसके लिए कल्प्रेट हो चाहे नहीं हो, ठीक है। तो इसीलिए उसने यूनिफॉर्मिटी दिखाते हुए, यदि एक ऑपरेटर भी यदि कोई प्रॉब्लम कर रहा है, दूसरे ऑपरेटर कंप्लायंस है, यदि फ्रीक्वेंसी वाइज मैं जाऊँ फिर भी सब किसी के ऊपर जो है पेनल्टी आएगी। DMRC मेट्रो स्टेशन है, DMRC वायरलेस वो यूज करता है, वो जो वायरलेस यूज कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 400 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज में, 400 to 500। अब वो वाला भी हमारा इसके अंदर कैप्चर हो गया है, वो बेसिकली गवर्नमेंट ने वो यूज कर रहे हैं, पब्लिक सबको पता है, अवेयरनेस है, लेकिन नोबडी नोज। लेकिन जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाया वो भी इसके अंदर आ गया, अगर जो उसका भी सिग्नल यहाँ आ रहा होगा वो भी कैप्चर हो गया, वो भी रेडिएशन, वो भी कल्प्रिट है, फिर भी मेरे वो भी सम हो गया, साइट नहीं लगानी है एज ए मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया वहाँ पे रेडिएशन लेवल आई है, पब्लिक के लिए प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे मेरे को साइट नहीं लगानी है, ये सीधा सीधा एक नॉर्म। एक्चुअल डिस्टेंस क्या होना चाहिए दोनों?